हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर वर्कशीट नंबर 18 एंड द टॉपिक ऑफ द वर्कशीट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इन लास्ट वीडियो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले ही किया था लीनियर इक्वेशन का, जहां हमारे टू वेरिएबल्स थे एक्स एंड वाई, है ना। अब हम एक ऐसी इक्वेशन को कंसिडर कर रहे हैं विच इज इन ओनली वन वेरिएबल, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 4। अगर x is equal to 4 है, it means we have only a unique solution, that is 4, and we can represent it on number line. Simply हमने x axis draw किया और उस पर x is equal to 4 show कर दिया। But what happens when we convert it into two variable equation? तो इसे two variable equations में अगर हम convert करते हैं तो हम क्या करेंगे? x is equal to 4 का मतलब है 0 जो है, y जो है it is 0 here, तो it means x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। नाउ द इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल्स, x भी है हमारे पास और y भी है। अब हमें इस इक्वेशन को हम ग्राफ में प्लॉट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। तो सॉल्यूशन सेट निकालना तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा ही था, तो अब यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन सेट निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे? हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो x प्लस 0 इंटू वाई की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, इज इक्वल टू 4, वी गेट x इज इक्वल टू 4, दैट इज 4 एंड 1 मिल गया हमें। अगेन वी पुट 0 इन प्लेस ऑफ y, वी गेट x इज इक्वल टू 4, फिर हमें 4 मिला, मैंने y इज 0, x इज अगेन 4, एंड इफ वी पुट y इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 4, देन x अगेन 4, माइनस 1 एंड 4। तो सॉल्यूशन सेट हो गए हमारे 4,1, 4,0 एंड 4,-1। इन एवरी कंडीशन वी हैव x इज इक्वल टू 4। हर सिचुएशन में हमको x की वैल्यू 4 मिल रही है, चाहे हमने y की वैल्यू कुछ भी रखी है, और इसके अलावा हम 2, 3, 5, 6, 7 जो भी रखेंगे, हमें हमेशा x की वैल्यू 4 ही मिलेगी। अब हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो अब हम इसे ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ है, हमें उसमें वैल्यूज शो करनी है 4,1, 4,0 एंड 4,-1। तो अब इसे देखते हैं ग्राफ पे कैसे शो करेंगे। तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज अवर एक्स एक्सिस, तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल जो हमारी लाइन है, ये वर्टिकल एक्सिस है, इट इज क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस, तो ये हो गया वाई एक्सिस। अब हमें इस पे चाहिए फर्स्ट पॉइंट 4,1, तो 4 ही रहा 1,1 के लिए हमें y में ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो हम यहाँ आए, ये हो गया y, और ये हमें x और y हमें जहाँ पर हमारे इंटरसेक्ट हुए, ये पॉइंट हमें मिल गया 4,1, दिस इज़ अवर फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज 4,0, यानी x पे 4, x इज 4 एंड y इज 0, यानी ना हमें ऊपर जाना है ना हमें नीचे आना है, तो दिस इज अवर सेकेंड पॉइंट 4,0, एंड द थर्ड पॉइंट इज 4,-1, यानी x इज अगेन 4 एंड y से हम स्ट्रेट लाइन लेके गए यहाँ तक, एंड ये आ रही है हमारी 4 की लाइन, तो ये पॉइंट मिला हमें इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज अवर थर्ड पॉइंट 4,-1। अब हमने इसे ज्वाइन किया तो देखिए हमें क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन, क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन, और हमें पता है लीनियर इक्वेशन है तो हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, लेकिन यहाँ स्पेशलिटी क्या है, दिस लाइन इज पैरेलल टू अवर वाई एक्सिस, ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी इक्वेशन जो थी वो हमारी एक्स में थी, इट इज़ इन वेरिएबल एक्स, वी आर यूजिंग वेरिएबल एक्स, एंड वी गेट द ग्राफ विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसीलिए जब हमारी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 0 होती है, इट मीन्स उसका ग्राफ क्या होगा, वो होगा वाई एक्सिस इट्सेल्फ, और अगर हमारी इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 0 है तो ग्राफ हो जाता है एक्स एक्सिस। ठीक है, याद रहेगा एक्स 0 है तो ग्राफ होगा वाई एक्सिस, और वाई 0 है तो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस। तो अब हमें यही बताया गया यहाँ पर, इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट x एक्सिस, एंड इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स y एक्सिस, मतलब वाइस वर्सा है, y 0 है तो x एक्सिस होगा, x 0 है तो y एक्सिस होगा।
अब हमें देखते हैं क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब y इज इक्वल टू ज़ीरो है, तभी हमने देखा y इज इक्वल टू ज़ीरो रिप्रेजेंट्स x एक्सिस, तो हम x एक्सिस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो हमें y इज इक्वल टू ज़ीरो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो सबसे पहले तो हम इसे चेंज करेंगे इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में, तो क्या बन जाएगी, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव। अब यहाँ हम x की जितनी चाहे वैल्यूज पुट करें, हमें y हमेशा माइनस फाइव ही मिलेगा। और हमारा ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस फाइव, यानी हमारी लाइन यहाँ कहीं आएगी माइनस फाइव पॉइंट के लिए, तो x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो भी हमें माइनस फाइव मिलेगा, 2 रखा तो माइनस फाइव, 3 रखा तो माइनस फाइव, सिमिलरली माइनस 1 रखेंगे तो भी, तो हर बार हमें वैल्यू माइनस फाइव ही मिलेगी। यानी हमें जो ग्राफ मिलेगा वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, अगर इक्वेशन वाई में होगी तो ग्राफ मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर इक्वेशन एक्स में होगी जैसा हमने ग्राफ में देखा था, तो वी विल गेट द ग्राफ विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिमिलरली अब यहाँ है एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो इसका ग्राफ किसके पैरेलल आएगा, जल्दी बताइए, y एक्सिस के पैरेलल। और इसकी इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, x तो हमारे पास है ही, y नहीं है, तो हम लिखेंगे 0 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, और फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे, अपना बॉक्स बनाएंगे और सॉल्यूशंस को ग्राफ पे शो करेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन इज 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वी कैन राइट इट एज 2x इज इक्वल टू थ्री, और वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट किया था, 2x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 3। नाउ वी कैन गेट अ नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, फिर जब हमें सॉल्यूशन मिल जाएंगे देन वी कैन प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन। तो अब जल्दी से जल्दी हम ये वर्कशीट आप सॉल्व करेंगे और ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।